फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम कवर करने वाले हैं BSc 6 सेम के इलेक्ट्रॉनिक सेकंड का जो टॉपिक है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। देखिए, जो लास्ट वीडियोस थे हमने उसमें ट्रांजिस्टर बायसिंग के भी क्वेश्चंस कवर करे थे और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के भी करे थे, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो देखिए, जो ये वाला टॉपिक है इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट करें हम पहले समझ लेते हैं जो चीज इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कुछ चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे देखिए कुछ सर्किट आ चुके हैं। तो सबसे पहले इन सर्किट के बारे में समझ लेते हैं। ये दिखने में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं, आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक, तो आप मेरे से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ मत देखिए, आप ये वाला सर्किट देखिए जिसमें मैंने लिखा है सिंपल ट्रांजिस्टर। हमारे पास एक ट्रांजिस्टर होता है, उसमें क्या होता है, NPN होता है, मतलब एक एमिटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। ये हमारा एमिटर हो गया जिसमें RE एमिटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हमारा कलेक्टर हो गया जिसमें कलेक्टर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये बेस हो गया जहां से हम इनपुट देते हैं। मेनली जब हम इसकी बात करेंगे एज ए ट्रांजिस्टर, उसमें हम कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, तो हम सब जगह कॉमन एमिटर लेके चलेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो एमिटर टर्मिनल है उसको कॉमन ले रखा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जब हमें ट्रांजिस्टर को स्टेबलाइज्ड करना पड़ता है, बायसिंग देनी पड़ती है, तो हम उसमें पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको डिफरेंट टाइप की बायसिंग करते हैं। कौन सी करते हैं, फिक्स्ड बेस बायस करते हैं, कलेक्टर टू बेस बायसिंग करते हैं, और कौन सी, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग करते हैं। तो बहुत सारी हम बायसिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिमिलर यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है, उसमें क्या है कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, इसमें RC RE में क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसमें हमने जो R1 और R2 लगा रखे हैं, ये रेजिस्टेंस होता है बायसिंग के लिए, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर भी कह सकते हैं आप ये, क्योंकि हमने जो यहाँ पर बायसिंग यूज की है, यहाँ पर कौन सी बायसिंग यूज करी है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग यूज करी है। यहाँ पर जो हमने RE लगाया है, ये क्या कर रहा है, ये इस ट्रांजिस्टर को स्टेबिलाईज कर रहा है, मतलब टेम्परेचर जब बढ़ेगा उसकी वजह से जो लीकेज करंट होता है उससे ये इसको प्रिवेंट करेगा। उसके बाद यहाँ पर एक हमने देखिए जो एमिटर है उसके जस्ट पैरेलल एक कैपेसिटर लगाया है जिसका नाम दिया गया है एमिटर कैपेसिटर, इसका यूज भी बताएंगे। तीन कैपेसिटर यूज हुए हैं, एक यहाँ पर देखिए इनपुट में जिसको मैंने नाम दे दिया है सी इन, और एक आउटपुट में हुआ है जिसका नाम दिया गया है CC। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनका यूज क्या होता है, तभी आप इनका फंक्शन पढ़ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर R1 एंड R2 ये कैसा काम कर रहे हैं, वोल्टेज डिवाइडर की तरह, वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। और जो यहाँ पर RE है ये किसका काम कर रहा है, बायसिंग का काम कर रहा है, ओके। और देखिए, यहाँ पर कैपेसिटर, तीन टाइप के कैपेसिटर यूज किए गए हैं, और मेनली हम इसको टू टाइप्स में बांटते हैं, एक होता है सी इन और एक होता है एंड CC। इनको हम कहते हैं कपलिंग कैपेसिटर, क्या कहते हैं, कपलिंग कैपेसिटर। और जो हमारे पास होता है CE उसको हम कहते हैं बाईपास कैपेसिटर। क्यों कहते हैं इसको मैं आपको समझाऊंगा अभी। आपको देखिए, इनके नाम पता होने चाहिए कि किसको कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं और किसको बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। तो देखिए, अगर हम कैपेसिटर की बात करें, तो जब हम DC करंट या DC वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो जो कैपेसिटर होता है वो DC के लिए ओपन सर्किट की तरह काम करता है और AC के लिए शॉर्ट सर्किट का काम करता है। ओपन सर्किट का मतलब समझो कि जैसे मेरा सर्किट है, ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पर DC वोल्टेज दे दी तो ये कैसे काम करेगा, ये ओपन हो जाएगा, मतलब यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा। अगर मेरे पास ये सर्किट है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर मैं AC सप्लाई दे रहा हूँ, तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब ये बिल्कुल पाथ प्रोवाइड करवा देगा, यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगी। तो DC के लिए क्या होता है, पाथ खुल जाता है, ओपन हो जाता है, और AC के लिए क्या होता है, पाथ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और करंट फ्लो हो जाती है। इसका कारण क्या है, या तो आप याद कर लो और इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो देखिए, जो हमारा जैसे रजिस्टर का रजिस्टेंस होता है, इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है, वैसे ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं XC=1/2πfC, ठीक है। अब क्या होता है, इससे समझो, मैं DC की बात करूं तो DC में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, DC में फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब देखो, अगर मैं DC सिग्नल की बात करूं तो DC सिग्नल कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे बिल्कुल कांस्टेंट होता है, हर एक टाइम पे उसकी एक इंस्टेंटेनियस
टाइम पे, हर एक टाइम पे उसकी एक सेम फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो इसका मतलब जो डीसी की बात करूं तो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है जीरो। तो यहां पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो रखूंगा तो एक्ससी क्या हो जाएगा, वन अपॉन, अब यहां पर तो जीरो हो जाएगा तो मतलब इन्फाइनाइट, मतलब डीसी के लिए जो यहां पर कैपेसिटेंस हो रहा है वो इन्फाइनाइट हो रहा है, तो इसलिए वो किसकी तरह यूज हो रहा है, ओपन सर्किट की तरह। अगर मैं एसी अप्लाई करता हूं तो देखिए एसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी होती है, काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब ये हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो जो एक्ससी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लो होगी, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू कम होगी, और अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसलिए जो एसी होता है उसके लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो किसकी तरह यूज करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, और डीसी के लिए करता है ओपन सर्किट की तरह। तो इसीलिए जो यहां पर दो कैपेसिटर लगाए जाते हैं सीसी और सी इन, इनका काम क्या होता है, जब भी हम कोई सिग्नल देते हैं तो यहां पर ये ब्लॉक करता है डीसी, डीसी जो हमारी डीसी आ रही होती है उसके कंपोनेंट को ब्लॉक करता है, यहां भी और यहां भी। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं जो कपलिंग कैपेसिटर है और जो इनपुट में कैपेसिटर है वो क्या करता है, ब्लॉक ब्लॉक डीसी कंपोनेंट, डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करेगा कंपोनेंट, और पास किसको करेगा, पास एसी कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो अभी तो हमने एक ट्रांजिस्टर लगा रखा है तो इसको हम बोलेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। जब हम दो ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो दो जब हम कहेंगे कि टू स्टेज करेंगे तो दो ट्रांजिस्टर लग जाएंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन आप ये भी याद रखो, अगर सिंगल स्टेज की बात हो रही है तो सिंगल ट्रांजिस्टर लगा होगा, डबल स्टेज की बात हो रही होगी तो दो ट्रांजिस्टर लगे होंगे। जितने ट्रांजिस्टर लगे होते हैं सर्किट में उतनी ही उसकी स्टेज कही जाती है। ठीक है, अब हमारे पास होता है सीई, जिसको हम कहते हैं बाईपास कैपेसिटर। अब इसका नाम ही हो रहा है बाईपास, जैसे हमारे कहीं हम जाते हैं तो वहां पर दो रोड होती है, एक मेन रोड होती है, एक कहते हैं कि बाईपास निकल रहा है यहां से, मतलब वो उस जो वो एरिया है उसको सीधा काट के शॉर्टकट निकलता है ना, ऐसी होता है बाईपास। इसमें भी क्या होता है, अगर हम ये नहीं लगाए सीई, इसमें नहीं कनेक्ट करें तो क्या होता है, जो हमारा करंट होता है वो सारा आरई में चले जाता है, आरई में जाने की वजह से यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, जिसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो कम हो जाती है, और एक तरीके से क्या होता है, ये जो करंट है ये फीडबैक की तरह वापस जाने लगता है। आगे जब हम फीडबैक वाला चैप्टर पढ़ेंगे फीडबैक इन एम्पलीफायर, तो उसमें मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको कम करने के लिए इसके पैरेलल में हम एक एमिटर कैपेसिटर लगा देते हैं। इसका काम क्या होता है, जब भी कोई एसी सिग्नल आएगा तो तब क्या होगा, एसी सिग्नल, अब एसी सिग्नल के लिए जो ये कैपेसिटर है, एसी के लिए कैपेसिटर कैसे यूज करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह यूज करता है, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह यूज होगा, तो जितनी भी एसी करंट है वो यहां से फ्लो होके कहां चले जाएगी, ग्राउंड में चले जाएगी। तो इसका मतलब ये अब क्या होगा, ये गिना ही नहीं जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट माना जाएगा, क्योंकि अगर कोई बात याद रखो, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है और एक रेजिस्टेंस को मैं शॉर्ट सर्किट कर देता हूं तो ये भी ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट माना जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसलिए जो भी एसी है वो हमारा यहां से ट्रांसमिट हो जा रहा है, जिससे हमारी जो एम्पलीफायर है उसका जो वोल्टेज है वो क्या गेन है वो ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया है बाईपास कैपेसिटर। ओके, तो ये देखिए बेसिक चीज थी। आगे जब हम देखेंगे, दो चीज हम देखिए, हम पहले पढ़ते थे डीसी लोड लाइन और एसी लोड लाइन। तो देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी सर्किट में, जैसे ये सर्किट है, अगर मैं इसमें डीसी दूंगा तो उस समय सिर्फ डीसी कंपोनेंट काम करेंगे, और अगर हम इसमें एसी दूंगा तो एसी कंपोनेंट काम करेंगे। डीसी हम क्या के लिए देते थे, बायसिंग करने के लिए, ट्रांजिस्टर को क्या करने के लिए, ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, वो अपनी फिक्स जगह पे आ जाए, उसके लिए हम उसको डीसी प्रोवाइड करते थे, और उसके बाद जो इनपुट सिग्नल होता था वो हम किससे देते थे, एसी से देते थे। तो देखिये जब भी बात पूछी जाएगी डीसी एनालिसिस की, तो उस समय क्या होगा, जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर डीसी में क्या रहता है, ओपन सर्किट रहता है, तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ये बन जाएगा। कैसे, ये ट्रांजिस्टर मैंने सेम बना दिया, R1 R2 सेम बना दिया, RC RE सेम बना दिया, अब ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा यहां से, क्योंकि देखिए डीसी के लिए ओपन होता है, तो यहां से ओपन हो गया, यहां तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो ये सारा सर्किट हट जाएगा। अब देखिए यहां पर ये ओपन हो जाएगा तो ये RE बचेगा, यहां पर से ये ओपन हो जाएगा तो ये एक डीसी एनालिसिस हो गया। अगर मैं एसी एनालिसिस की बात करूं तो एसी में क्या होगा, तो देखिए ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, जो यहां पर सी इन था ये क्या हो गया, यहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया, R1 R2 वैसे रहेगा, RC, और यहां पर RE क्या होगा, देखो
जब ये वाला शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि एसी एनालिसिस कर रहे हैं, एसी में मैंने बताया जहां भी कैपेसिटर होगा वो कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो इसके पैरेलल वाला भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अभी बताया था आपको। तो यहां पर आरईवी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहां पर आरसी, यहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ और सिंपल आरएल आ गया। तो एसी एनालिसिस में ऐसा बनेगा, डीसी एनालिसिस में ऐसा बनेगा। तो ये बेसिक चीज थी, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और आई होप आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, अ कैपेसिटर इज, कैपेसिटर क्या है? पहली चीज है डीसी के लिए ओपन होगा, एसी के लिए शॉर्ट होगा, डीसी के लिए शॉर्ट एंड एसी के लिए ओपन, डीसी के लिए ओपन और एसी के लिए शॉर्ट। मैंने आपको अभी बताया जो कैपेसिटर होता है वो डीसी के लिए क्या होता है, डीसी के लिए वो हमेशा कैसा होता है, ओपन होता है, और एसी के लिए शॉर्ट होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम डी देखें तो डी में क्या दे रखा है, डीसी, अगर डीसी करंट होगा तो उसके लिए ओपन माना जाएगा और एसी के लिए शॉर्ट माना जाएगा। तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, द डीसी इक्विवेलेंट सर्किट इज ड्राइव फ्रॉम द ओरिजिनल सर्किट बाय ओपनिंग ऑल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम ओरिजिनल सर्किट का डीसी एनालिसिस करेंगे तो आप देखिए हमने क्या करा था, अभी मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। तो जब हमने डीसी एनालिसिस करा था तो जितने भी हमारे पास कैपेसिटर थे उनको हमने क्या करके ओपन सर्किट कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द डीसी इक्विवेलेंट सर्किट इज ड्राइव फ्रॉम द ओरिजिनल सर्किट बाय ओपनिंग, क्या ओपन कर देने सारे हमें, कैपेसिटर ओपन कर देने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए आप मेरे को बताएं नीचे कमेंट करके कि यस सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए अभी लेक्चर को आने में थोड़ा सा टाइम लगा है, अब कंटिन्यू आएंगे, क्योंकि मैं सोच रहा था थोड़ा टाइम से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, टाइम से आपको जो भी क्वेश्चन कराऊं अच्छे से समझा के कराऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में, द एसी इक्विवेलेंट सर्किट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सर्किट बाय शॉर्टिंग ऑल। ठीक है, जब हम एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो उसमें क्या शॉर्ट करते हैं, शॉर्टिंग ऑल। तो क्या करते हैं उसमें शॉर्ट, अभी मैंने इससे पहले ही बताया था जब मैं एसी एनालिसिस कर रहा था मैंने जितने भी कैपेसिटर थे उनको शॉर्ट सर्किट कर दिया था, है ना। यहां पर भी बताया फॉर एसी के लिए कैपेसिटर शॉर्ट, डीसी के लिए ओपन। तो यहां से इसका आंसर हो जाएगा क्या होता है, शॉर्ट सारे कैपेसिटर, रजिस्टर और इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में, रिड्यूसिंग ऑल डीसी सोर्सेस टू जीरो इज वन ऑफ द स्टेप इज गेटिंग इन। जब हम जितने भी डीसी सोर्स है उसको हम जीरो कर दें तब हम कौन सा स्टेप गेटिंग करते हैं, पहला दिया गया है एसी इक्विवेलेंट सर्किट, सेकंड दिया गया है डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, थर्ड दिया गया है कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट। तो देखिए जब हम डीसी सोर्स को जीरो कर दे रहे, जीरो का मतलब खत्म कर दे रहे हैं, तो डीसी सोर्स खत्म करना मतलब क्या हो रहा है, हम किसके यहां पर काम, एसी सोर्स का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब हम कौन सा सर्किट यूज कर रहे हैं, एसी इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एसी इक्विवेलेंट सर्किट, रिड्यूसिंग ऑल डीसी सोर्सेज टू जीरो, जब जितने भी डीसी सोर्सेज जैसे कैपेसिटर हो गया उसको हम जीरो कर देंगे तो हम कौन सा इक्विवेलेंट सर्किट यूज कर रहे हैं, एसी इक्विवेलेंट सर्किट। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में, क्वेश्चन नंबर फाइव दिया गया है, इन एन एम्पलीफायर अ कपलिंग कैपेसिटर इज यूज्ड। अभी मैंने आपको बताया था देखो इसमें यहाँ पर हम कपलिंग कैपेसिटर का यूज करते हैं, ब्लॉक करता है एसी कंपोनेंट को और पास करता है, ब्लॉक करता है डीसी कंपोनेंट को और पास करता है एसी कंपोनेंट को। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है मैच इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मैच करने के लिए, सेकंड दिया गया है प्रिवेंट डीसी मिक्सिंग विद आउटपुट, और सी दिया गया है कंट्रोल फ्रीक्वेंसी। तो देखिए मेन जो मोटिव होता है इसका, जो डीसी होता है एक स्टेज का डीसी दूसरे स्टेज में ना जाए, डीसी को ब्लॉक करे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंट डीसी मिक्सिंग विद आउटपुट। जहां भी कैपेसिटर का, कपलिंग कैपेसिटर का यूज होगा तो वो क्या करेगा, जो डीसी कंपोनेंट है उसको स्टॉप कर देगा ताकि वो आगे वाली स्टेज के इनपुट में एसी के साथ मिक्स ना हो पाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। देखो कोशिश मैंने इस तरीके से सॉल्व करवाने की गई है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाए और उसके बाद आपको क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन करके चले जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन निकाल लेंगे। क्वेश्चन सिक्स में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज।
तो देखिए हमने बहुत सारे मोड पढ़े हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, तीनों में क्या क्या पढ़ा था उसको अभी समझेंगे। पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया गया है एम्पलीफाइड, बी दिया गया है इन्वर्टेड, सी दिया गया है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ इनपुट, और डी दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए हमने जब कॉमन बेस और कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था जो कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर है उसमें जो हमें आउटपुट मिल रहा था उसका जो फेज शिफ्ट था, मतलब वो कितना मिल रहा था हमें, 0 डिग्री मिल रहा था। बट जो हमारा कॉमन एमिटर था उसमें हमारा 180 आउट ऑफ फेज शिफ्ट मिल रहा था, और इसका मतलब जो इनपुट जो हमारा आउटपुट है वो कैसा मिल रहा है, इन्वर्टेड मिल रहा है और एम्पलीफाइड भी मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा कॉमन एमिटर होता है उसका जो पावर एम्पलीफायर जो एम्पलीफिकेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर मैंने इनपुट में इस तरीके से दिए यहाँ पर सिग्नल तो मुझे आउटपुट में किस तरीके से मिलता था, ये ऐसे 180 का इन्वर्ट होकर एम्पलीफाई करके मिलता था, है ना। तो ये तीनों इन्वर्ट भी कर रहा है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट भी दे रहा है इनपुट के अकॉर्डिंग, और एम्पलीफाई भी करके दे रहा है। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में, द इनपुट सिग्नल ऑफ एन एम्पलीफायर इज cos 314t, इफ द गेन इज 200 देन द आउटपुट सिग्नल विल बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको भी कर लेते हैं, बेसिक है तो इसको समझते हैं। तो हमें यहाँ पर दे रखा है इनपुट सिग्नल दे रखा है cos 314t और गेन दे रखा है हमें 200, तो आउटपुट सिग्नल पूछा है। तो देखिए इसको समझ लेते हैं, जब भी हमें गेन निकालना होता है किसी का भी, यहाँ पर समझ लेते हैं, जब भी हमें गेन निकालना होता है चाहे वो पावर गेन हो चाहे वोल्टेज गेन हो, गेन का फॉर्मूला होता है आउटपुट क्वांटिटी जो हमें आउटपुट में मिल रही है अपॉन इनपुट क्वांटिटी, इनपुट क्वांटिटी। अब देखो अगर मैं वोल्टेज गेन की बात करूं, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, अगर मैं वोल्टेज गेन की बात करूं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए वी, वोल्टेज गेन। अब देखो वोल्टेज गेन में हमें आउटपुट में क्या मिलती है, आउटपुट वोल्टेज मिलती है, और इनपुट में क्या मिलती है, इनपुट वोल्टेज मिलती है। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है जो हमारा वोल्टेज गेन है, कितना गिवन है हमें वोल्टेज गेन, हमारा वोल्टेज गेन गिवन है 200, तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 200 हमारा वोल्टेज गेन है। वी इनपुट जो हमने इनपुट सिग्नल दिया है वो दिया गया है cos 314t और पूछा गया है कि वी आउट निकालो। अब देखो यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि कौन सा एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। जहां पर आपको एम्पलीफायर का नाम दिया गया हो कि कौन सा मोड है तो वहां हमको कॉमन एम्पलीफायर यूज करना है, क्योंकि जब भी हम एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं ट्रांजिस्टर को किस मोड में कर पाते हैं, सिर्फ कॉमन एमिटर मोड में। तो अब देखिए वी आउटपुट हमारा निकलेगा तो ये इसकी यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगी ए वी मल्टीप्लाई बाय वी इन, तो ए वी हमारे पास 200 इंटू कॉस 314। अब देखो जो कॉमन एमिटर होता है इसमें मैंने आपको बताया था 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। आई बात समझ में, देखिए जो ये होती है हमारी जो यहां पर हमारी वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, और जो ये वाली फ्रिक्वेंसी होती है इसको हम कहते हैं जो इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी और जिस फेस में वो शिफ्ट कर रहा है। तो यहां से हमारा वी आउट की वैल्यू निकल जाएगी 200 cos 314 प्लस 180 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा ये दिया गया है, तो देखिए कुछ ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पर सी दिया गया है 200 cos 314t प्लस 180, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द एमिटर ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हैज नो एसी वोल्टेज बिकॉज ऑफ। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में जो हमारा एमिटर होता है उसमें एसी वोल्टेज नहीं आ पाती, किसकी वजह से, पहला ऑप्शन दिया है डीसी वोल्टेज ऑन इट, दूसरा दिया है कपलिंग कैपेसिटर, सी दिया गया है बायपास कैपेसिटर, और दिया गया है लोड रेजिस्टर। तो देखिए ये मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है कि अगर एमीटर में, यहाँ पर देख के आप इसको इजीली समझो कि जब हम एमीटर में यहाँ पे अगर यहाँ पर ये बायपास कैपेसिटर ना लगाए तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है जिसका इफेक्ट हमारा वोल्टेज गेन में पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमको
कपलिंग कैपेसिटर यूज करना पड़ता है, ये एसी सिग्नल को यहां नहीं आने देता है, यहां से डायरेक्ट यहां बाईपास कर देगा। मतलब कैसे, यहां से जो करंट है वो डायरेक्ट इधर से पास होकर ग्राउंड में चले जाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो द एमिटर ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हैज नो एसी वोल्टेज बिकॉज ऑफ बाईपास कैपेसिटर। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाईपास कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन एन एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन इज 25। एक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन 25 दिया गया है, पावर गेन दिया गया है 2500 और करंट गेन पूछा गया है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए जो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट तो सभी ने पढ़ी होगी। हमको अगर पावर निकालनी होती है तो हम करते हैं वोल्टेज इंटू करंट, बिल्कुल करते हैं। अगर हमको गेन निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, पावर गेन इक्वल्स टू वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई बाय करंट गेन। ओके, गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमको गिवन है वोल्टेज गेन 25 और पावर गेन दे रखा है। तो मतलब हमें दो वैल्यू दे रखी है, यहां पर वोल्टेज गेन दे रखी है 25 और पावर गेन दे रखी है 2500। अब हमें निकालनी है AI, करंट गेन निकालनी है। तो करंट गेन कैसे निकल जाएगी, 2500/25 आ जाएगा हमारे पास 100। देख लो कौन सा ऑप्शन है, करंट गेन हमारी निकल गई 100। ऑप्शन में चलते हैं, चलो ऑप्शन देखो कौन से नंबर का दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहां पर हमको बी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 100। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करंट गेन आ जाएगी हमारी 100। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। व्हेन एसी सिग्नल इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर द ऑपरेटिंग पॉइंट मूव्स अलोंग। ठीक है, अब देखो हमने आपको डीसी लोड लाइन के बारे में बताया है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा, अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं तो लोड लाइन के अक्रॉस जो क्यू पॉइंट का मूवमेंट होता है वो डीसी की वजह से होता है। एसी सिग्नल देते हैं तो जो उसमें क्यू पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है वो एसी की वजह से होता है। तो यहां पर साफ दिया गया है कि एसी सिग्नल अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर, तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट मूव होगा वो किसके साथ होगा, एसी लोड लाइन की वजह से। ठीक है, तो व्हेन एसी सिग्नल इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर द ऑपरेटिंग पॉइंट मूव्स अलोंग एसी लोड लाइन। तो इसमें डीसी का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, जब एसी अप्लाई करेंगे एसी के अक्रॉस फ्लो होगा और जब डीसी अप्लाई करेंगे तो डीसी लोड लाइन के अक्रॉस जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो मूव करेगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, देखो अच्छे से समझा के चल रहा हूं, अपना बेस्ट दे रहा हूं। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर समझ में आ रहा है, तो मैं अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा अगली बारी से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। एन एम्पलीफायर हैज अ पावर गेन ऑफ 100, इट्स डीबी गेन। तो डीबी में पूछा गया है गेन, तो इसको समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, और इससे रिलेटेड और ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो देखिए, हम इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में तीन टाइप के गेन निकालेंगे। एक निकालेंगे पावर गेन, एक निकालेंगे करंट गेन। तो एक निकालेंगे हम पावर गेन, एक निकालेंगे हम वोल्टेज गेन, और एक हम निकालेंगे करंट गेन। और अभी बात कर रहे हैं हम यहां पर, अगर हमें डीबी में निकालना हो, डीबी मतलब डेसिबल, तो डीबी में निकालना हो तो देखिए इसको सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर पहले मैं डायरेक्ट बताऊं तो डायरेक्ट भी बता देता हूं, सॉल्व करके भी बता देता हूं। डायरेक्ट जो यूज करते हैं हम पावर गेन के लिए, फॉर्मूला लगते हैं 10 log बेस 10 पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। वोल्टेज गेन के लिए होता है 20 log बेस 10 वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। और अगर करंट गेन की बात करूं तो 20 log 10 आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट। ये इस तरीके से होता है, आई बात समझ में? ये तीन चीजें आपको बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं कि मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊं, एक्सप्लेन भी करूंगा तो बहुत इजी है। देखो वोल्टेज गेन को हम इजीली लिख लेंगे, वोल्टेज गेन क्या होता है, वी आउटपुट अपॉन वी इन, तो वी आउटपुट अपॉन वी इन लॉग में होता है, तो वी स्क्वायर करके पावर निकालेंगे तो जो स्क्वायर आएगा वो आगे आके 20 log हो जाता है। क्वेश्चन को करते हैं हम डायरेक्ट,
क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर हमारा एम्पलीफायर का पावर गेन दिया गया है, तो पावर गेन की बात हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और डीवी में दिया पूछा गया है, डीवी गेन पूछा गया है 100 का, तो हमें क्या करना है डायरेक्ट, जब पावर गेन ऐसे दिया होता है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लगा दो। यहाँ पर देखो अगर मैं इसमें लगाता हूँ टेन लॉग 10 और हमारे गेन दिया गया है 100, तो डीवी में निकालने में यहाँ पर जो गेन की वैल्यू है यहाँ पर आप पुट कर दो 100, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ 10 लॉग बेस 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, ये 2 आगे चले जाएगा तो मेरी यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 20 डीवी। मैक्सिमम आपको देखो ऐसे दिया जाएगा 2 दिया, इसको आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, अगर 100 दिया होगा तो 220 आ जाएगा, अगर 123 दिया होगा है ना तो 20-30 आ जाएगा, अगर 4 दिया होगा 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 40 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, मतलब 10 की पावर 3 ऊपर मतलब जितनी आपकी जीरो आ रही है ना यहाँ पे, जितनी आपकी जीरो आ रही है उसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दो, डायरेक्ट उसको डीवी में लिख सकते हो, ये एक शॉर्टकट होता है। अगर मेरे को डायरेक्ट लिख दिया गया है यहाँ पे 10 की पावर 5 तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 50 है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 50 डीवी आ रहा होगा इसका आंसर इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 100, तो 100 में कितनी जीरो 2, या तो आप ऐसे भी सॉल्व कर लो 100 में 20 तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20 डीवी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 20 डीवी, इसको कर लेते हैं हम ऑप्शन नंबर बी 20 डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन अ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आरसी एंड आरएल रिप्रेजेंट द कलेक्टर रेजिस्टेंस एंड द लोड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, द ट्रांजिस्टर सीज डीसी लोड। अब देखो इसमें पूछा गया है कि जब हम सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर में अगर हम डीसी लोड निकाल लोगे, तो यहाँ पर आ जाओ आप सर्किट में जो सबसे स्टार्टिंग में समझाया था। तो देखो जब डीसी लोड लगाते हैं तो ये सब चीज पता है कि कैपेसिटर जो भी होता है इनको हम क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट करते हैं, तो हमारे पास ये निकलता है आउटपुट, हम किसके अक्रॉस ले रहे हैं, आरसी के अक्रॉस ले रहे हैं, और तो आरसी के अक्रॉस ले रहे हैं तो हमारा जो भी हमारा लोड लाइन होगी वो क्या निकलेगी। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया गया है डीसी लोड लाइन के लिए, ऑप्शन ए दिया गया है आरसी प्लस आरएल, ऑप्शन सी दिया गया है आरसी प्लस आरएल, ऑप्शन सी दिया गया है आरएल, और ऑप्शन डी दिया गया है आरसी। तो देखिए जब डीसी लोड लाइन निकलता है तो जो हमारा आउटपुट निकलता है वो आरसी के अक्रॉस निकलता है, इसलिए जो इसका लोड लाइन होगा वो किस पे डिपेंड करता है, आरसी में। एसी भी यही समझ लो, एसी की बात करेंगे तो एसी एनालिसिस में सर्किट ऐसा मिलता है जो हमारा आउटपुट निकलता है वो हमें आउटपुट यहाँ पे मिलता है। तो जब हमें आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे देखिए ये आरसी और आरएल पैरेलल है, तो जो हमारा लोड लाइन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आरसी पैरेलल आरएल में। फोर किसके लिए, एसी के लिए, डीसी के लिए होगा आरसी में और एसी के लिए होगा हमारा आरएल में। लोड लाइन याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसी के लिए होगा आरसी पैरेलल आरएल और डीसी के लिए होगा आरसी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे इफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ये 12th है, इन अ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आरसी और आरएल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कलेक्टर रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, द ट्रांजिस्टर सीज अ डीसी लोड ऑफ, तो डीसी लोड किसको बताएगा, अभी बताया था अगर डीसी की बात कर रहे हैं तो आरसी, क्योंकि इसी के अक्रॉस हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आरसी, कलेक्टर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन 13 में चलते हैं, इफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर फीड अ लोड ऑफ लो रेजिस्टेंस देन द वोल्टेज गेन। अब देखो ये थोड़ा पहले हम क्वेश्चन 14 कर लेते हैं क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, 13 वाला फिर अभी इसके बाद समझा देंगे। क्वेश्चन 14 है, इफ आरसी एंड आरएल रिप्रेजेंट द कलेक्टर रेजिस्टेंस लोड एंड लोड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली इन अ सिंगल स्टेट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर देन एसी लोड लाइन इज, तो एसी लोड लाइन के लिए मैंने अभी बताया जो आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा, मतलब आरसी और आरएल के दोनों के अक्रॉस मिलेगा, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, यहाँ पर देखिए एक ही जंक्शन में तीन पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, तो जहां पर कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पर तीन नोड तीन ब्रांच आके कनेक्ट हो रही हो तो वहां पर वो पैरेलल माना जाता है, अगर दो होती है तो सीरीज में माना जाता है, दो से ज्यादा पैरेलल माना जाता है। तो इस पॉइंट में देखिए एक ये भी जा रही है, एक ये भी जा रही है, एक ये भी जा रही है, तो ये आरसी और आरएल पैरेलल है, इसलिए आरसी पैरेलल आरएल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी आरसी पैरेलल आरएल, आरसी पैरेलल आरएल फॉर एसी लोड लाइन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि ट्रांजिस्टर का अगर लोड रेजिस्टेंस बहुत लो है तो उसका वोल्टेज गेन क्या होगा। तो इसको आप एक चीज समझ लो, देखो वोल्टेज गेन क्या होता है,
अगर मैं वोल्टेज गेन की बात करूं, यहां पर मैंने आपको बताया था, यहां भी बता देता हूं, वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। मतलब वोल्टेज गेन तभी बढ़ेगा जब आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगी, और तभी घटेगा जब आउटपुट वोल्टेज घटेगी। अब देखो क्या होता है, जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा, जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। आई बात समझ में? अब देखो, अगर मैंने ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया, तो करंट तो उसमें से कम पास होगी, जितना भी वोल्टेज है वो उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो यहां से हमें पता चला, अगर मेरा आउटपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज आउटपुट में ले रहा हूं, तो मैं यहां पर कंसिडर करूंगा जो मेरा आउटसाइड में रेजिस्टेंस है, मतलब जो ये वाला रेजिस्टेंस है आउटपुट रेजिस्टेंस। तो जब मेरा आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होगा, तो इसका मतलब उसकी जो उसके अक्रॉस जो उसके पास जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो भी हाई होगा। अब जब वोल्टेज हाई होगा ड्रॉप, तो वोल्टेज गेन भी हाई होगा। बट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कि अगर लोड रेजिस्टेंस लो है, अब जब लोड रेजिस्टेंस लो है, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो लो है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी उसके अक्रॉस कम होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, गेन भी कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा इसका, जो इनपुट इम्पीडेंस इट इज जनरेट, सॉरी 13 है, क्या होगा हमारे पास, लो होगा, द वोल्टेज गेन विल बी लो। अगर लो रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज गेन लो होगा, हाई रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज क्या होगा, गेन हाई होगा। ठीक है, बात चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 15 में, इट इज जनरली डिजायर्ड दैट ट्रांजिस्टर शुड हैव डैश इनपुट इम्पीडेंस। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, तो कॉमन एमिटर की हो रही है, और कॉमन एमिटर को हम यूज करते हैं कैसा, वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह। अब अभी आपको बताया, अगर मेरे को वोल्टेज गेन ज्यादा चाहिए तो आउटपुट में रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाई। जब इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, हाई होगा, तभी हमको क्या मिलेगा, जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है, हमें क्या चाहिए, इनपुट इम्पीडेंस हाई चाहिए, तभी हमें वोल्टेज गेन अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में, फॉर हाईएस्ट पावर गेन वन वुड यूज डैश कॉन्फ़िगरेशन। तो हाईएस्ट वोल्टेज गेन के लिए क्या यूज करना है, तो इसको समझ लो। तो देखो कुछ चीजें ऐसी है, अगर आप एसजे से पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत गलत दे रखी है। मैंने आपको दो तीन चीज बताई थी, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, बताया था तीन चीज। इसमें एक में करंट गेन बताया था, है ना, एआई करंट गेन देख लो, एक में वोल्टेज गेन बताया था। इसमें बताया था सबसे स्मॉल होता है करंट गेन की बात करूं, मीडियम होता है, और इसमें क्या होता है, हाई होता है। अगर मैं वोल्टेज गेन की बात करूं तो इसमें हाई होता है, इसमें मीडियम होता है, और इसमें क्या होता है, लो होता है। तो जब हमारे पास पावर गेन निकलती है, पावर गेन निकलती है, तो वो कैसे निकलती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक हाई और एक लो, एक हाई और एक लो, तो इसका मतलब दोनों की क्या वैल्यू निकलेगी, मॉडरेट निकलेगी। अब इसमें दोनों ही मीडियम है, करंट गेन भी मीडियम है, वोल्टेज गेन भी मीडियम है, तो इसका जो पावर गेन होगा, इसका जो पावर गेन होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। सबसे ज्यादा पावर गेन होता है कॉमन एमिटर, सॉरी यहां पर आप बेस करें और यहां पर कॉमन एमिटर करें, ठीक है। ये कॉमन बेस का स्मॉल होता है, वोल्टेज गेन इसका हाई होता है, इसका मॉडरेट होता है, कॉमन एमिटर में मीडियम, मीडियम पावर गेन मैक्सिमम होगा कॉमन एमिटर का, और कॉमन कलेक्टर का जो करंट गेन होता है वो हाई होता है, वोल्टेज गेन लो होता है, तो इसलिए जो इसका पावर गेन होगा ये भी क्या होगा, मॉडरेट होगा। तो यहां से हमें पता चला कॉमन एमिटर का मैक्सिमम गेन होता है, तो यहां पर हाईएस्ट पावर गेन पूछा गया है, तो किसका हो जाएगा, कॉमन एमिटर का, ठीक है। इसको आप थोड़ा, मेरा कॉमन बेस कॉमन एमिटर आगे पीछे हो गया, तो इसको याद रखें, कॉमन बेस है ये कॉमन एमिटर के लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में, इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वी जनरली यूज। अब जब हम जो एम्पलीफायर यूज करते हैं उनमें जो कैपेसिटर यूज होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था सी इन और सी आउट, तो उसमें कौन सा कैपेसिटर यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, मिका, पेपर और एयर। तो हम कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये मैक्सिमम बार, कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 18 में, द इनपुट कैपेसिटर इन एन एम्पलीफायर इज डैश कैपेसिटर। तो जो इनपुट कैपेसिटर हम यूज करते हैं, कौन सा कैपेसिटर होता है, फर्स्ट दिया गया है कपलिंग, सेकंड दिया गया है बाईपास, थ्री दिया गया है लीकेज, और डी दिया गया है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो जो इनपुट और आउटपुट में कैपेसिटर यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कपलिंग कैपेसिटर। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कपलिंग कैपेसिटर, बाईपास भी बता चुका हूं कौन सा होता है, कॉमन एमिटर वाला, ठीक है, जो हमारा एमिटर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगता है। नेक्स्ट पूछा गया है, इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर वोल्टेज गेन इज डैश आर ए सी अपॉन आर ई। कॉमन एम्पलीफायर में पूछा गया है, तो देखिए
इसको दो, या तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, इसको आएगा यहाँ पे बीटा और इसको मैं आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ वोल्टेज गेन पूछी गई है, तो वोल्टेज गेन तो होता है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। तो वी आउटपुट पे हमें मिलता है अब वोल्टेज आउटपुट, तो वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, आई इंटू आर। तो आउटपुट में हमें आई मिल रही है आईसी, और अगर मैं आर की बात करूं तो मैंने आपको बताया था एक यहाँ पर आरसी होता है और एक यहाँ पर आरएल होता है, तो वो दोनों पैरेलल होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आरएसी लिख लेता हूँ जिसकी वैल्यू होगी आरसी पैरेलल आरएल, क्योंकि यह मेरे को आउटपुट में मिल रहा है। तो मैंने लिख दिया आईसी आरएसी, आरएसी मतलब आरसी प्लस पैरेलल आरएल। अपॉन इनपुट की बात करूं तो इनपुट में करंट होता है आईबी और रेजिस्टेंस होता है आर इन। अब देखो जब हम बीटा की वैल्यू क्या होती है, जब कॉमन एमिटर में निकालते हैं आईसी अपॉन आईबी, बीटा की वैल्यू होती है, अलग अलग वैल्यू निकाल सिखा रखी है मैंने, अल्फा बीटा गामा की अलग अलग वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आईसी अपॉन आईबी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वोल्टेज गेन, अब इसकी जगह आईसी अपॉन आईबी की जगह रख दिया बीटा आर एसी अपॉन आर आई इन। देख लो बीटा आर एसी अपॉन आर आई एन, ऐसे निकल गया वोल्टेज गेन। ये आपको डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट याद करने वाली होती है। अगर मेरे से पावर गेन पूछा होता तो पावर गेन में कितनी इजीली निकालता, देखो पावर गेन में गेन कुछ इस तरीके से लिखता, पावर गेन होती है वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई बाय करंट गेन। वोल्टेज गेन मैंने अभी निकाली बीटा आर एसी अपॉन आर इन, और करंट गेन मेरे को पता है बीटा होता है, तो यहां से मैं निकाल दूंगा बीटा स्क्वायर आर एसी अपॉन आर इन, ये मेरी निकल जाएगी पावर गेन, ठीक है। वोल्टेज गेन भी बता दियो, पावर गेन भी निकाल दी। पावर गेन पूछी जाएगी तो बीटा स्क्वायर आर एसी अपॉन आर इन, अगर वोल्टेज गेन पूछी जाएगी तो बीटा आर एसी अपॉन आर इन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20। मजा आ रहा होगा सबको, आ रहा है कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आज का लेक्चर। क्वेश्चन 20 पूछा गया है, अ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कंटेन डैश एंड एसोसिएटेड सर्किटरी। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कितने ट्रांजिस्टर लगते हैं, देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेक्चर देखा होगा स्टार्टिंग में कि अगर कितने ट्रांजिस्टर कितने स्टेज में होती है। तो ये होमवर्क है आपका, 20th क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट करके बताओ। कमेंट क्या है तो सबको पता होना चाहिए, अभी बताया था कि कौन सी स्टेज के लिए कितने ट्रांजिस्टर होते हैं, चार स्टेज होगी तो कितने होंगे, वन होगी तो कितने होंगे, तो ये क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, और अगर मैं बोलूं कि पूरे लेक्चर का जो एक निचोड़ निकाला जाए कि क्या चीज हमने इम्पोर्टेंट पढ़ी है, तो वो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जो ये पेज है, जो इस पेज में जितनी चीजें मैंने इम्पोर्टेंट लिखवाई है, इसको आप एक जगह नोट कर ले और इसको अच्छे से समझ ले, और वीडियो को दो तीन बार देखते रहे, है ना। पहले एक बार तो आपने समझ लिया, दूसरी बार जब आप इसको रिविजन करें तो आप क्वेश्चन, जब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ मेरे आंसर से पहले इसको सॉल्व करें, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ऑल द बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।